नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं यूपीएससी भवन के सामने। और जैसे कि आप लोगों को पता है, आईएएस इंटरव्यू के साथ साथ आईआईएस का भी इंटरव्यू चल रहा है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का। तो अभी मैम अभी मतलब इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का जो इंटरव्यू है वो देकर आई है। तो मैम से एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं और इनके बारे में पूछते हैं। और मैम अभी कार्यरत भी है, इसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। और सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिवानी आर्या है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। और मैं दिल्ली में अभी जॉब कर रही हूँ, शिपिंग मिनिस्ट्री में मैं काम करती हूँ। और अभी मैंने जो इंटरव्यू दिया, इसमें जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे एक बात बोलना चाहूँगी कि आप जो भी काम करते हैं उसकी आप एक्सपर्टीज़ रखें अपने पास, उसका इन्फॉर्मेशन अच्छे से रखें कि आप क्या काम करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे। आप जर्नलिज़म अगर प्राइवेट मीडिया में है तो प्राइवेट मीडिया के क्या फैक्टर्स हैं, आप सारा कुछ पता रखें, कैसे काम करता है पूरा डिपार्टमेंट। तो बेसिकली इंटरव्यू के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, इससे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना, आपने जो काम किया है, आपका जो वर्क प्रोफाइल है, आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखें। और इससे ज़्यादा आपको आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देश दुनिया में। और जो भी अलग अलग चैनल्स हैं मीडिया के, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट है, इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैम आप इंटरव्यू देकर आई है, तो इंटरव्यू का क्या माहौल था या फिर किससे रिलेटेड सवाल पूछेगा आपसे? आपके वर्क प्रोफाइल से ही रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही रिलैक्स माहौल रहता है, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी तैयारी पूरी करके आएँ, पढ़ कर आएँ, आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। और इससे ज़्यादा तो कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करिए आप बच्चे। Okay, बात करें आपके और वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, आपने कहा गया मतलब जॉब की है या फिर कब से आप इस फील्ड में है? मैं पिछले 7 सालों से इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। मैंने दूरदर्शन न्यूज़ में काम किया है और 2-3 मंत्रालयों में मैं काम कर चुकी हूँ। तो अभी तक मैं ब्रॉडकास्ट में ही काम कर रही हूँ, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में ही काम कर रही हूँ। और अभी देखो इंटरव्यू हो गया है, अच्छा इंटरव्यू हुआ है। जी जी। तो मैम आप क्या जर्नलिज्म किए थे या फिर आपका थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए हमें। मैंने 12th किया है नॉर्मल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से, उसके बाद मैंने बैचलर और मास्टर डिग्री जर्नलिज्म में ही ली है। बैचलर्स मैंने अपना महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मेघालय से किया था और मास्टर्स मैंने अपना सिंघानी यूनिवर्सिटी राजस्थान से किया हुआ है। उसके बाद से ही मैं कार्यरत हूँ इस सब्जेक्ट में, फील्ड में। अच्छा, तो चलिए ये बताइए, जो न्यू एक्सपीरियंस है जो मतलब जर्नलिज्म कर रहा है या फिर जो कर चुके हैं जो अभी प्राइवेट सेक्टर में है, वो किस हिसाब से मतलब कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं, मतलब आईआईएस का एग्ज़ाम दे इंटरव्यू दे सकते हैं? इसमें जनरल कैटेगरी से मैं हूँ, तो जनरल कैटेगरी में 30 साल अधिकतम आयु होती है इसमें सिलेक्शन की। और आपके पास कम से कम 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। और 4-5 साल गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर, किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस हो वो काउंट होता है। बस ये है कि आप अपने पास कागज़ पूरे रखिए, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस लेटर अपने साथ लेकर आइए, हार्ड कॉपी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास पूरे नहीं होंगे तो आपको शायद बाहर का रास्ता दिखा दिया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखिए और जो काम आपने किया है, जो कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी पूरी जानकारी रखिए। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अच्छा राइट। तो उन लोगों को क्या एक्सपीरियंस होने चाहिए, मतलब क्या किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो न्यू एक्सपीरियंट है जर्नलिज्म के? जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, पहले तो वो पढ़ें कि इंडिया में मीडिया इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्या क्या रोल्स होते हैं जो आपको अलग अलग निभाने पड़ते हैं। हर कोई एंकर और रिपोर्टर तो नहीं बनता है, बैकएंड में बहुत काम होता है। तो आप पहले ये गोल सिलेक्ट करिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, उसके बाद आप किसी भी डिग्री को परस्यू करिए जर्नलिज्म को, क्योंकि ऐसे ही आपने पढ़ लिया और आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है, तो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है फील्ड में। तो आप पहले से अपना गोल डिफाइन रखिए कि हमें ये काम करना है। और इसके लिए कोई अलग से तैयारी भी करनी पड़ती है क्या? अलग से कोई तैयारी नहीं होती है, आपको बेसिक एटिकेट्स, आप अपने, आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं, अपने आसपास कोई सर है, आपके मैडम है जो पढ़ाती हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, अच्छे से प्रेजेंटेबल होके जाना है बाकी, और अपनी तैयारी पूरी रखनी है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है जो भी आप बात रख रहे हैं किसी के सामने। घबराना नहीं है आपको, घबराने आपको कोशिश की जाएगी कि आप कंफ्यूज हो, अपने ही क्वेश्चन में फंसें, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि जो आपको नॉलेज है वो अपनी बात आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के सामने रखिए।
पैनल के सामने रखी और ऑलरेडी जो इंटरव्यू देना आएंगे उनके पास तो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इसमें, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको वहाँ आके भी काम ही करना है, तो ये है। चलिए मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए द स्टूडेंट्स एवीआर यूट्यूब चैनल को। अभी हम मौजूद थे यूपीएससी भवन के सामने और यहाँ पर जो इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के इंटरव्यू देना आई थी मैम, मैम ने अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताई है और काफ़ी बढ़िया से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है और न्यू एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी कुछ कहा है इन्होंने। तो देखते रहिए ऐसे ही स्टूडेंट्स एवीआर यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो में इतने ही, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।